दोस्तों, सरकार के दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीर आप एक बार जरूर देखना। आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ 3 मिनट का वीडियो है। आप देखिए इसमें कैसे ये लोग इतने मजबूर हैं कि एक गंदे नाले से पानी पी रहे हैं, वहीं नहा रहे हैं और वहीं से अपने घर में जो पीने की, नहाने धोने की सुविधाएं हैं उनके लिए पानी भर के लेके जाना उनकी मजबूरी है। केवल आदमी नहीं, औरतें भी ऐसे ही मजबूर हैं। और ये नज़ारा बहुत ज्यादा दूर का नहीं है। पंचकुला प्रशासन की नाक के नीचे का है। पंचकुला का जो सचिवालय है उससे केवल मात्र 800 मीटर दूरी पर यह नजारा आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इससे शर्मनाक तस्वीर जो ये सरकार खोखले दावे करती है, हमने सबको ये सुविधाएं दी है, हर घर नल दिया है, हर घर जल दिया है, सबको घर दिया है, ये आप देख सकते हैं ये दावे कितने खोखले हैं। आप वो आगे से आते हुए और भी वासिंदों को देख सकते हैं कि वो आ रहे हैं यहाँ अपना पानी भर के लेके जाएंगे पीने के लिए। ये बेचारा पीने के लिए लेके गया है, नहाने के लिए लेके गया है, धोने के लिए लेके गया है, बच्चे भी इतने मजबूर हैं। और इन बारिश के दिनों में अगर एकदम यहाँ बाढ़ आ जाए तो इन बच्चों के साथ क्या होगा? ये देखिए कितना गंदा पानी ये पीने को मजबूर है। अगर ये बीमार होंगे तो अस्पतालों में लाइनें लगेंगी और लाइनें लगेंगी तो इनको देखने वाला कोई नहीं होगा। ये देखिए किस तरह का पानी इन बेचारों के पास जाता है। क्या सरकार का इतना कर्तव्य नहीं बनता कि कम से कम इनको स्वच्छ पानी तो उपलब्ध करा दे? वहां जाके अस्पताल में इनकी लाइनें लगती हैं, वहां इनको हेल्थ की सुविधाओं के लिए कार्ड बनवाने पड़ते हैं। क्यों ऐसा हो? अगर सरकार इनको मूलभूत सुविधाएं दे दे, क्या ये कॉलोनी वासी सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए ही पैदा हुए हैं? सरकार इनका इसी हित के लिए, सिर्फ वोट के लिए इनका सदुपयोग करती है और सुविधाएं उसके जरूरी नहीं है? ये देखिए, और बेचारे वहीं कपड़े धो रहे हैं, वहीं नहा रहे हैं, वहीं से पीने का पानी भर के लेके जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को इतना वायरल करें कि सरकार के कानों तक ये पहुंचे और सरकार इस तरफ कुछ ध्यान दे। धन्यवाद दोस्तों, जो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत